हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और इस वीडियो में बातचीत करूंगा TFR 2023 का जो क्वेश्चन आया था उस संबंध में। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, ये भी उसमें से है। पार्टिकुलरली दिस क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका रिक्वेस्ट आया कि सर प्लीज़ इस क्वेश्चन को बना दो, बहुत दिक्कत है। कुछ लोगों ने आंसर भी इसको प्रूफ कर दिया, किसी का आंसर भी आ गया कि सही है, किसी का कुछ गलत भी आया, लेकिन जो उन्होंने एग्जाम्पल लिया वो जस्टिफाइड नहीं था। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, देखते हैं और सीखते हैं कि कैसे अप्रोच करना है, कैसे चीजों को देखना है, समझना है। ओके, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा गया है। आपके पास दो कंटिन्यूस फंक्शंस है आर से आर के बीच में, जहां पे कि जो एफ स्क्वायर है और जी स्क्वायर है, ये दोनों का सम यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कि एफ या जी में से कोई ना कोई एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा, ये सही है या गलत है, आपको क्या लगता है, इस पर आपका आंसर है। ठीक है, मैं फिर से बता दूं क्वेश्चन क्या है। दो कंटिन्यूस फंक्शंस है जहां दोनों का स्क्वायर लेके सम कीजिए, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, देन व्हाट यू कैन से अबाउट द एफ और जी, दोनों यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है या दोनों में से कोई एक है या दोनों नहीं भी हो सकता है, क्या आपको लगता है, वो ये क्वेश्चन। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस क्या होता है। मैंने ऑलरेडी बात किया है कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होता क्या है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन, टू शो सम फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, व्हाट वी हैव टू डू, क्या ऐसी चीजें होती है, प्रोसीजर, उसको ध्यान रखना है। ओके, ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को अप्रोच कैसे करना है। ओके, हाउ वन शुड अप्रोच सॉल्यूशन, ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू अप्रोच, कैसे हम चीजों को अप्रोच कर सकते हैं। तो उसके पहले दो तीन चीजें आप रिकॉल कर लो कि व्हाट डू मीन बाय फंक्शन इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, कि एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन ए सेट ई, इसका मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय दैट। ओके, एंड टू शो सर्टेन फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है ना। सो टू शो एफ इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, व्हाट यू हैव टू डू, इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या करना होगा, व्हाट यू हैव टू डू, ये दो चीजें आपके पास पहले तो क्लियर होनी चाहिए, क्या है नहीं है। नहीं है तो उसको जाके पहले आप पढ़ो, ठीक है, तब क्लियर होगा। अब कुछ ऐसा फंक्शन सोचो जहां पे कि स्क्वायर करे, सम करे, कुछ कॉन्स्टेंट्स आ जाए। तो कॉन्स्टेंट फंक्शन हमेशा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होता है, तो यहां पे लिख देता हूं। सो ये बेसिक फैक्ट, सो कॉन्स्टेंट फंक्शन इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, डोमेन आपका जो भी हो, कॉन्स्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन ए सेट, जो भी लेना हो आप, आर ले लो, यहाँ आर पे बातचीत हो रही है, चलो आर पे ही बातचीत कर दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ लोग। ओके, नाउ यू शुड लुक सच फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, और कौन सा फंक्शन आपको मिलेगा, राइट, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो हो जाता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो वन है फॉर ऑल एक्स, राइट, हर रियल नंबर के लिए ऐसा हो रहा है ना, क्लियर हो गया। बट यहां पे जो आपका एफ आया, यहां पे जो आपका एफ आया वो आ गया साइन एक्स, और यहां जो आपका जी आया वो आपका आ गया कॉस एक्स, और ये दोनों के दोनों यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, तब तो सही हो गया। नहीं, ये एक एक एग्जांपल से ये सही आ रहा है, हमेशा सही होगा क्या, तो यू हैव टू लुक अनदर फंक्शन। अगर आपको ये चीज गलत साबित करना है तो आपको एक काउंटर एग्जांपल खोजना होगा, ढूंढना होगा, आपने जो भी ढूंढा है उससे आंसर सही आ रहा है, एक एग्जाम्पल से कोई चीज सही आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा सही है, यू हैव टू प्रूव इट देन। ये आपको लग रहा है कि हाँ इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो हो सकता है, लेकिन एफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं हो सकता, तो इस एग्जाम्पल से तो ये आ गया, बट यहाँ से आ गया एफ जी यूनिफॉर्म बट हमेशा नहीं, तो दूसरा एग्जाम्पल खोजते हैं इसी के हेल्प से। तो पहले तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में मिला जिसका स्क्वायर का सम वन आ रहा है, वो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट फंक्शन यूनिफॉर्म होता है। कुछ दूसरा साइन के टर्म में जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं हो, पता ही आपको आर में, व्हाट अबाउट दिस साइन एक्स क्यूब, दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन, राइट, व्हाट अबाउट दिस कॉस एक्स क्यूब, दिस ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन ऑन आर, राइट, व्हाट अबाउट द स्क्वायर, व्हाट अबाउट देयर सम का स्क्वायर, दोनों का सम का स्क्वायर करेंगे तो वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, क्लियर हुआ है ना। सो साइन स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब, दोनों का सम वन हो रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, हैंड दिस आर अपना आ गया कॉन्स्टेंट फंक्शन, सो एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू वन, दिस इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, कॉन्स्टेंट फंक्शन आ गया ना, कॉन्स्टेंट फंक्शन यूनिफॉर्म। लेकिन जो आपका यहाँ पे फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन आपने क्या लिया हुआ है, साइन एक्स क्यूब,
दूसरा फंक्शन आपने क्या लिया हुआ है, जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब, ये दोनों में कोई भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है आर में, नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन आर। वाई, सोचने का है ना, सोचने का, समझने का और टेंशन नहीं लेने का, समझने का क्यों नहीं है। एफ एक्स साइन एक्स क्यू वाइड इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स क्यू वाइड इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन आर, ऑन विच सबसेट्स ऑफ आर दिस इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, सोचना, समय समझना है, हड़बड़ाना नहीं कि आंसर दे दिए, लग गया आंसर देने में, आंसर देने से क्या हो जाएगा, समझदारी तो होना चाहिए, क्लियरिटी तो होनी चाहिए कि कैसे चीज़ों को अप्रोच करना है। ओके, तो ये मैंने एग्जांपल दिया, जैसे पहले हमने लिया था वहाँ पे तो ट्रू आ गया, लेकिन क्या वही एग्जांपल है, देखो काउंटर एग्जांपल मिला। अब यहाँ पे भी पता चल गया क्यूब इज नॉट इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा समझदारी, थोड़ा सा समझदारी, ओके, और चीज़ें आपके साथ हो जाएंगी। तो एफ प्ले दोनों में से कोई एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा, ये क्या बोल रहा है, अगर ये आंसर आपके पास है तो मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ, इसको बनाना है, सो दिस ऑप्शन इज फॉल्स, दोनों में कोई एक यूनिफॉर्म होगा, कोई गारंटी नहीं है, कभी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, फॉल्स। ओके, तो ऐसे चीज़ों को अप्रोच करना है, लगता है कि हाँ यार ये मेरे से नहीं बना, कितना आसान था, चीज़ों की इसको समझदारी चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए, समझ चाहिए, मेहनत चाहिए, लगता है उसमें दिक्कत है, तो यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ओके, चल रहा है यहाँ पर बैचेस, सीखना है जोश से, जुनून से, अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, तो मेल कीजिए नोबल फोरम 05 पे, ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द नई वीडियो में, नई जोश, नई ऊर्जा के साथ, तब तक इस टाइप की चीज़ों को ध्यान में रखिए, ओके, बाय।